हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम आरआरबी एनटीपीसी की जो सीरीज़ है वो यहाँ पर चला रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, जैसा कि नोटिफिकेशन भी आया था। और मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने भी अभी लोकसभा में प्रश्न पूछा गया था कि वैकेंसी जो है वो कब तक फिल कराई जाएंगी, कितनी वैकेंसी पेंडिंग है। तो इसके लिए भी उन्होंने दो दिन पहले लोकसभा में जो है वो जवाब भी लिखित रूप से पेश किया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही जल्द जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। टेंडर जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, टेंडर नोटिस मैंने बनाया हुआ है, आप लोग उसको भी विजिट कर सकते हैं, सुन सकते हैं उसके बारे में भी। और मैंने बताया था कि 13 अप्रैल को ये जो टेंडर है वो क्लियर हो जाएगा। 13 या 16 अप्रैल को ये टेंडर क्लियर हो जाएगा। और जब ये 13 या 16 अप्रैल को टेंडर क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी जो है वो रेलवे को मिल जाएगी और वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो दोस्तों, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी जो कर रहे हैं वो इस बात की भी तैयारी है कि जो हमारे, जैसे मान लेते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम है ये 2019 में जो है ये ओपन हुआ था, वैकेंसी जो है 2019 में ओपन हुई थी और फरवरी 2019 में वैकेंसी ओपन हुई थी और 1 मार्च से इसको भरा जाना शुरू किया गया था। तो मेरा ये कहना है कि एक साल हो चुका है, एक साल में आपने बहुत सारी प्रिपरेशन करी है, लेकिन फिर नाउम्मीदी बीच में आ जाती है कि पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा तो कब तक हम प्रिपरेशन करें। तो ऐसे में व्यक्ति जो है अपना प्रिपरेशन जो है वो छोड़ देता है। मैं चाहता हूँ कि आपने अगर अपना प्रिपरेशन छोड़ दिया है तो फिर से हमारे साथ जुड़ जाइए। 2-2.5 महीने और लगातार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग बना चुके हैं, 2 प्रैक्टिस सेट हम लोग बना चुके हैं, ये 3रा प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ बनाने जा रहे हैं। और ये टारगेट है 45 प्रैक्टिस सेट का एक टारगेट है, ठीक है। तो 45 जो प्रैक्टिस सेट है, हिसाब से देखा जाए प्रतिदिन अगर हम एक भी सॉल्व करते हैं तो ये आपके 1.5 महीने में ही पूरा हो जाएगा, वन एंड हाफ मंथ में ही पूरा हो जाएगा। और तब तक तो टेंडर भी क्लियर हो जाएगा। तो आप सोच के देखिए, 1-1.5 महीने में टेंडर क्लियर होगा, तब तक हम 45 सेट लगा चुके होंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा मिल चुका होगा इस चीज़ का कि हमने जो है फिर से तैयारी करी है। यहाँ पे हम टॉपिक वाइज नहीं चल रहे हैं, हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से चल रहे हैं। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जितनी भी चीज़ें, उन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट तैयारी होती चली जा रही है, ठीक है। चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट। कल हम लोगों ने 1 लगाया था, आज हम लोग लगाने जा रहे हैं मॉडल सेट 2, ठीक है। आज हम लोग कौन सा लगाने जा रहे हैं? मॉडल सेट 2, ठीक है। तो मॉडल सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से अगर शुरू करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक मिनट, ये वेन आरेख का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, क्वेश्चन है यहाँ पर, वेन आरेख का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ल्यूसियन विद, जॉन वेन, थियोफिलस वॉन केनल एंड लुइस पुरी। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा, इसका करेक्ट आंसर है जॉन वेन जो है ब्रिटिश गणितज्ञ एक तरीके से, और बहुत ही अच्छे तर्कशास्त्री भी हुआ करते थे ये। इन्होंने एक किताब लिखी थी, ऑन द डायग्रामेटिक एंड मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रपोजिशंस एंड रीजनिंग्स। तो इस किताब में इन्होंने वेन डायग्राम का वर्णन किया था। मैं किताब का नाम फिर से पढ़ दे रहा हूँ, ऑन द डायग्रामेटिक एंड मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रपोजिशंस एंड रीजनिंग। तो ये जो किताब है 1880 में प्रकाशित की गई थी, और इसी में वेन आरेख का जो है वेन डायग्राम का प्रयोग किया था। वेन शब्द का प्रयोग इनके नाम से लिया गया है, इनके नाम जॉन वेन से लिया गया है, ठीक है। सो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने अभी हाल ही में कल देखे, प्रैक्टिस सेट लगाने का यही फायदा होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो ज़्यादा हमें याद होते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, परसों हमने सॉल्व किया था, प्रीवियस ईयर पेपर जब सॉल्व कर रहे थे तब उसमें सॉल्व किया था। देखिए, मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया, प्रीवियस पेपर का भी, और मैं अभी और सॉल्व कराऊंगा, लेकिन अभी तो हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कल पहला लगाया था, आज दूसरा लगा रहे हैं, ठीक है। और 1 हम लगा चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 206। मैंने आपको बताया था कि मानव में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और फिर ये भी बताया था कि बच्चों में जो है वो अधिकतर 300 तक हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एम्लिका ऑसिफिनेलिस जो है ये किसका नाम है? यहाँ पर ये क्वेश्चन किया गया है कि किसका वैज्ञानिक नाम है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो वैज्ञानिक नाम है ये आंवले का है। किसका वैज्ञानिक नाम है? ये आंवले का, ठीक, ये आंवले का वैज्ञानिक नाम है।
यहाँ पर देखिए और नाम भी दिए हुए हैं, जैसे पीपल दिया हुआ है, तो पीपल का भी मैं वैज्ञानिक नाम बता रहा हूँ आपको। पीपल का वैज्ञानिक नाम है फीकस रिलीजियोसा, ठीक है, फीकस रिलीजियोसा, स्पेल कर दे रहा हूँ मैं, FICUS, फीकस रिलीजियोसा, RELIGIGISOA, ठीक है, फीकस रिलीजियोसा। इसके अलावा आपको आम का तो मालूम ही है, आम मैंगी फेरा इंडिका, ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मैंगी फेरा इंडिका, इंडिका, मैंगी फेरा इंडिका, ठीक है, इस तरीके से आपको इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। यहाँ पर इसके अलावा सैजन लिखा हुआ है, सैजन एक लंबी लंबी स्टिक के तरीके का होता है, इसका नाम भी इंग्लिश में ड्रम स्टिक होता है, सैजन को इंग्लिश में ड्रम स्टिक कहते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है मोरिगा, मोरिगा, MORINGA, मोरिगा, MORINGA, मोरिगा, मोरिगा के बाद ओलीफेरा, ओली इनको लिख दे रहा हूँ मैं, ओलीफेरा, ओली FERIA, ओलीफेरा, ठीक है, तो मोरिगा ओलीफेरा ये इसका वैज्ञानिक नाम, आप इस बार आपसे नोट कर लेंगे, तीनों चारों चीजें आपको यहाँ पे पता चलेगी। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण होता है, किस चीज का मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास का प्रमुख कारण होता है। क्वेश्चन नंबर चार का ये आंसर देना है आपको, क्वेश्चन नंबर चार का करेक्ट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC बोलते हैं इसको शॉर्ट में, क्या बोलते हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, लिखित अणुओं में से कौन सा एक डबल संयोजक बंध से जुड़ा हुआ है, यानी डबल कोहेसिव बॉन्ड से जुड़ा होता है, ये आपको बताना है। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल कोहेसिव बॉन्ड से जुड़ा होता है, द्विसहयोजी बॉन्ड से जुड़ा होता है। देखिए द्विसहयोजी बॉन्ड जो बॉन्ड बंद होते हैं या अबंध होते हैं, उनका निर्माण तब होता है जब परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन एक युग्म के बजाय दो युग्म से जुड़ जाए, डबल बॉन्ड बन जाए इसका, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल संयोजी, डबल सहसंयोजक बंध। तो ये जो है क्रम जो है वो किसका बनता है, ऑक्सीजन बनता है, ठीक। रनकपुर, इसको रनकपुर के नाम से भी कभी कभी लिख के आता है, रनकपुर, ये आपका राजस्थान में जगह है, रनकपुर स्थित, रनकपुर जो मंदिर है इसके बारे में पूछा गया है, स्थित मंदिर एक मंदिर है, वो किससे रिलेटेड है, शिव से, जैन से, कृष्ण से, राम से, तो ये एक जैन मंदिर है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, आपने नाम सुना होगा, इनको आदि देव भी कहा जाता है, ऋषभ देव या आदिदेव, तो ऋषभ देव का मंदिर माना जाता है, तो इस प्रकार से रनकपुर जैन मंदिर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन किया गया जल्लीकट्टू, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बेटा ये जल्लीकट्टू, क्वेश्चन किया गया कि जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है, त्रिचुर के साथ, कार्तिकाई के साथ, ओडम के साथ या पोंगल के साथ, त्रिचुर, कार्तिकाई, ओडम, केरल, पोंगल, ये सब जो है दक्षिण भारत के कह सकते हैं कि अलग अलग जगहों के फेस्टिवल है। इसमें से पोंगल फेस्टिवल जो होता है वो अलग अलग दिनों में, अलग अलग चरणों में, अलग अलग तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है, त्यौहार को मनाया जाता है। तो ये जो जल्लीकट्टू है ये तमिलनाडु का परंपरागत खेल है, पहली बात तो ये, और इसमें बैलों का पीछा किया जाता है। माना जाता है कि ये जो खेलने का जो तरीका है ये करीब 2000 साल पुराना है, मतलब ये जो बैलों के पीछे भागने का तरीका जो है ये करीब 2000 साल पुराना है, और इसको कई सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो पोंगल जो है लगभग 4 दिन का एक त्यौहार होता है, जिसमें से तीसरे दिन जो है वो ये मट्टू पोंगल मनाया जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जल्लीकट्टू, ठीक है। भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है, भारतीय संसद में वित्तीय बजट, फाइनेंस बजट, यानी बजट जो होता है ये कौन प्रस्तुत करता है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक नहीं, बजट मंत्री नहीं, कई जल्दी में बजट मंत्री में लगा दिया, बजट मंत्री कोई नहीं होता है, वित्त मंत्री होता है, वही प्रस्तुत करता है, वित्त सचिव प्रस्तुत नहीं करता है, वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 204, और आर्टिकल 204 का क्लॉज 1 कहता है कि संसद में राष्ट्रपति जो है वो बजट प्रस्तुत करेंगे, और बजट को बजट शब्द के नाम के साथ न लिख करके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS के नाम से जाना जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो AFS प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति को कहा गया है। लेकिन राष्ट्रपति जो है के बारे में कहा गया है आर्टिकल नंबर 53 में कि राष्ट्रपति जो है वो अपने काम स्वयं करेगा या फिर अपने लिए जो सबॉर्डिनेट अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उनके द्वारा कराएगा। तो इनका ये जो वित्त मंत्री है सबॉर्डिनेट बॉडी है कह सकते हैं, उनका सहायक अंग है एक तरीके से, तो वित्त मंत्री ही उनकी तरफ से बजट प्रस्तुत करता है।
तो वित्त मंत्री राष्ट्रपति की तरफ से बजट प्रस्तुत करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन किया गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है, सर्वाधिक भाग देती है? तो ग्रीन हाउस में बहुत सारी चीज़ें भाग देती हैं, जैसे वैसे तो हम लोग तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ भागते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग देती है इसके बारे में बात बताई गई है। पानी की वाष्प, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तो है भी नहीं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भाग जो है वो पानी की जल वाष्प देती है, सबसे ज़्यादा भाग इसी का होता है, लगभग 36 से 72%, 36 to 72% जो है ये जल वाष्प होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की भी अगर हम बात कर लें तो CO2 जो होता है, CO2 वो होता है 9 to 26%, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इस तरीके से रहता है। चलिए अगला है, कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु, कॉर्बेट नेशनल पार्क या ऐसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है, कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था, बंगाल का टाइगर, हिम तेंदुआ, एशियाई शेर या एक सिंह वाला गेंडा? तो बंगाल टाइगर के लिए इसको रखा गया था। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूँ, बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट बात, और एग्जाम में पूछी भी गई है कई बार, कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना जो है वो 1936 में की गई थी, पहली बात तो 1936 में करी गई थी, और 1936 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से किया गया था, हेली नेशनल पार्क, ठीक है, तो हेली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना की गई थी, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। हेली नेशनल पार्क के नाम से किसकी स्थापना की गई थी, हेली नेशनल पार्क के नाम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है और ये प्रोजेक्ट को ये इसका टाइगर को बचाने के लिए इसको प्रोजेक्ट किया गया था, ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध थे, किस मामले में प्रसिद्ध थे, मुक्केबाज, तैराक, कवि या चित्रकार? देखिए सुब्रमण्यम जो है भारती, इनको महाकवि भारती के नाम से भी जाना जाता है, पहली बात तो इनको क्या जानते हैं, महाकवि भारती, इनको महाकवि भारती के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको जब महाकवि भारती के नाम से भी जानते हैं तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनके बहुत सारे करेक्टर्स हैं, जैसे कि ये लेखक भी हैं, कवि भी हैं, पत्रकार हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं और एक अच्छे समाज सेवी हैं, तो ये सब बहुत सारे गुण हैं इनके अंदर, इनमें देखा जाता है ये एक बहुत ही फेमस कवि हैं, ठीक है, कवि, राष्ट्रवादी कवि हैं एक तरीके से। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, पंजाब में ऊसर भूमि का मुख्य कारण क्या है, पंजाब में ऊसर भूमि का मुख्य कारण क्या है, सघन खेती, वनों की कटाई, अधिक सिंचाई, कोई नहीं? तो इसमें सघन खेती इसका मुख्य कारण है, इंटेंसिव फार्मिंग जिसको बोलते हैं, ये इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है कि थोड़ी सी जमीन पर बहुत ज़्यादा उर्वरक, कीटनाशक और तमाम सारी पूंजी लगा करके खूब सारा मतलब वो फसल पैदा की जाती है, इसी को हम लोग सघन खेती, सघन का मतलब ये होता है डेंस, इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा, तो इससे पंजाब की भूमि का अपर्दन होता है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है भैया गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, गंगा। इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर आप आसानी से याद रख सकते हैं, 2525 किलोमीटर है। गंगा जो है वो गोमुख हिमानी से निकलती है, गंगोत्री से उत्तराखंड में, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और लगभग 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई भी है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्वापो के नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है, स्वापो, स्वापो इंग्लिश में TSANGPO ऐसे करके लिखा जाता है, स्वांको या स्वांको के नाम से जाना जाता है इसको चाइना में, तिब्बत में, ठीक है। गोदावरी और कृष्णा ये दोनों दक्षिण भारत की नदी हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष किस कौन सा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन भैया 1942 में शुरू किया गया था, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी द्वारा ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और इसी में एक नारा दिया गया था, इसी में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, कौन सा नारा दिया था, करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया गया था इसी में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी में महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था? राष्ट्रपिता कहने वाले कई स्वतंत्रता सेनानी, वैसे राष्ट्रपिता कहने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनमें से दो लोगों का नाम इसमें आता है, एक तो सुभाष चंद्र बोस हैं और दूसरे सविनय अवज्ञा हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे सुभाष चंद्र बोस पे ही निशान लगाएंगे। सुभाष चंद्र बोस जी ने 6 जुलाई सन 1944 को, मैं डेट लिख दे रहा हूँ, 6 जुलाई 1944 को बापू यानी कि महात्मा गांधी जो हैं उनको राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था, तो तब से जो है ये महात्मा गांधी जी जो हैं वो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। बाद में 1947 में 28 अप्रैल 1947 को
1947 को सरोजिनी नायडू जी ने अपनी स्पीच में इसी शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी जी के लिए किया था। तो दोनों लोगों ने गांधी जी के ये राष्ट्रपिता का संबोधन किया है, लेकिन जो पहले करता है उसकी बात मानी जाती है और उसके नाम को जाना जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका इस्तेमाल पहले किया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नोबल पुरस्कार के बारे में है, भौतिक शास्त्र में नोबल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताना है। तो नोबल में प्रथम भारतीय जिन्होंने पुरस्कार जीता है उनका नाम है CV रमन। सीवी रमन ने रमन इफेक्ट के लिए, रमन प्रभाव बोलते हैं इसको, रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट के लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए बेसिकली है ये। ठीक है, 1930 में इनको 1930 में इनको जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था। ओके, अमर्त्य सेन जो है ये अर्थशास्त्री हैं और अर्थशास्त्री के रूप में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है, सीमेंस में किस भौतिक मात्रा का मापन किया जाता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सीमेंस जो है नापा जाता है, सीमेंस में नापा जाता है विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का SI यूनिट जो है वो सीमेंस है। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य हैं? लोक अदालत के लक्ष्य हैं ये बात पूछी गई है। तो लोक अदालत का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि समाज के लिए ही काम करेगी। ठीक है, तो वैसे तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा साम्राज्य है, तो इसमें जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं ये मिल करके काम करते हैं, अलग अलग तरीके के केस जो है इसमें सॉल्व किए जाते हैं। फिर भी इसके अलावा भी कमजोर वर्ग के लिए सुनिश्चित न्याय सुनिश्चित करना ये लोक अदालतों का काम है, मामलों की बड़ी मात्रा में निपटाना ये भी लोक अदालत का काम है, और आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना, जी नहीं ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, शासन करने का अधिकार सौंपने का अधिकार किसी को भी नहीं है। लागत और देरी को न्यूनतम करना, बिल्कुल सही बात है, जो न्याय पाने में जो लागत आती है या जो देरी होती है वो कम हो जाए, ये तीन लक्ष्य हैं जो कि लोक अदालत के। ठीक है, चलिए आगे लिखा है सतत पोषणीय विकास, इसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में जानते हैं। सतत पोषणीय विकास को किस रूप में जाना जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में जाना जाता है। तो ये पूछा गया कि इससे क्या अभिप्राय, क्या मीनिंग है सतत पोषण अभिप्राय का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है एक देखेंगे तो लिखा है ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण दूषित होता हो, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ऐसा कौन सा विकास होता है जिससे पर्यावरण दूषित होता, भाई ये हो नहीं सकता। ऐसा विकास जो कुछ समय के लिए हो, कुछ समय के लिए जब है तो फिर सतत कैसे हो सकता है, सस्टेनेबल कैसे हो सकता है, ये भी ऑप्शन गलत है। विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे, और ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अ सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है ये क्वेश्चन किया गया है। सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हैं। इसके पुस्तक के लेखक कौन है भैया? विक्रम सेठ हैं, और विक्रम सेठ ने ये जो पुस्तक है ये 1993 में प्रकाशित की थी, 1993 में। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस समय ये सबसे बड़ा नोवेल हुआ करता था, 1488 पेज थे, सिंगल वॉल्यूम में ये बुक आई थी, और इसमें जो है 1488 पेजेस, तो उस समय सबसे बड़ी किताब। ठीक है, इसके अलावा और बहुत महत्वपूर्ण नाम लिखे हैं, जैसे यहाँ पे अमृता प्रीतम का नाम लिखा हुआ है, तो अमृता प्रीतम के बारे में बता दूँ, ये भी बहुत ही फेमस राइटर रही हैं और इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है, और इन्होंने जो किताबें महत्वपूर्ण जो लिखी हैं उन महत्वपूर्ण किताबों में एक दो किताब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। रसीदी टिकट आपने शायद सुना होगा, रसीदी टिकट बहुत ही फेमस है, रसीदी टिकट के अलावा यहाँ पर क्या नाम है, पिंजर नाम से भी है, कागज थे कैनवास। तो ये जो है इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, कागज थे कैनवास। ठीक है, ये जो इस तरीके से ये है तीन किताबों की बहुत फेमस है। महाश्वेता देवी भी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही फेमस राइटर हैं, और इन्होंने भी जो है झांसी की रानी नाम की एक कविता लिखी है, झांसी की रानी। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी जो है आपको मैं बता दूं कि ये भी जो है क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। ठीक है, ये भी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है, आपको ध्यान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन ऊपर ही रह गया, क्वेश्चन वही है,
लेकिन किस संविधान को लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए 7वां संविधान संशोधन, ये नहीं 24वां भी नहीं, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में बहुत सारे बहुत व्यापक परिवर्तन किए गए थे, इसीलिए इसको 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे हिस्से में इसके परिवर्तन किए गए थे। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो प्रस्तावना भी आपसे अगर पूछा जाता है तो इसी में प्रस्तावना को भी संशोधित किया गया था। प्रस्तावना को संशोधित करके 326 में जोड़े गए थे। एकमात्र संशोधन अभी तक प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। तो 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था किसने, उसका नाम बताना है। टाटा डॉक्टर टीपू सुल्तान, रणवीर सिंहभाई, नाना साहब। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उत्तर भारतीय प्रांत जो थे उसमें ही 1857 की क्रांति के इफेक्ट हमको दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टीपू सुल्तान जो है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। टीपू सुल्तान जो है मैसूर राज्य के राजा हुआ करते थे। आपको मालूम होगा मैसूर बहुत ही फेमस राज्य है, वहाँ के राजा थे, शासक थे। और 1782 से इनका शासन जो है वो शुरू हुआ था, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। वैसे टीपू सुल्तान जो है वो उनकी डेथ हो गई थी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में, और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1979 में लड़ा गया, 1779 में लड़ा गया, 1799 में लड़ा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ यानी रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होते हैं वो क्या उत्सर्जित करते हैं, क्या रिलीज करते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियो इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट तरंगे नहीं बल्कि अल्फा बीटा और गामा तरंगे उत्सर्जित करते हैं, जिनमें से जो ये गामा तरंगे होती हैं ये ऊर्जा के विस्फोट, मतलब ऊर्जा विस्फोट के रूप में प्रयोग की जाती हैं, और जो अल्फा और बीटा हैं ये कणों और पदार्थों के रूप में जाने जाते हैं। शिव कुमार शर्मा जो हैं उन लोगों से किस वाद्य यंत्र को बजाने का काम करते हैं। शिव प्रसाद शर्मा संतूर बजाते हैं। संतूर एक इस प्रकार का एक एपरेटस होता है ऐसे करके, ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर ये वायर लगे होते हैं, तार लगे होते हैं, और इस तरीके की स्टिक होती है, उससे जो है बजाया जाता है, हाथ को लेकर के इसको बजाया जाता है। संतूर वादक जो है वो कौन है, शिव कुमार शर्मा। इनको जो है संगीत नाट अकेडमी अवार्ड भी मिला है, पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, और पद्म विभूषण से भी ये नवाजे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का प्रमुख कारण क्या है। तो इनमें से ऑप्शन पूछा गया है, जीवाणु, कवक या विषाणु या कीड़े। तो पोलियो जैसा जो रोग है और चेचक जैसा जो रोग है, पोलियो और चेचक, ये दोनों जो है विषाणुओं द्वारा होता है, यानी कि वायरस के द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 26, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी तटरेखा जो है वो गुजरात की है। अक्सर लोग जो है वो गलती कर देते हैं, कहीं बांग्लादेश के साथ लगा देते हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल से लगा देते हैं, कभी आंध्र प्रदेश के लगा देते हैं, कभी तमिलनाडु से लगा देते हैं। जी नहीं, गुजरात की तटरेखा जो है सबसे लंबी है, और गुजरात की जो तटरेखा है वो उसकी लंबाई अगर देखी जाए तो 1915 किलोमीटर है, 1915 किलोमीटर। ठीक है, ये गुजरात की तटरेखा लंबाई। निम्नलिखित में कौन सी मछली नहीं है, शार्क, रोहू, इलेक्ट्रिक रे और वेल इसमें से मछली नहीं है। ठीक है, वेल को मछली के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, ये कह सकते हैं कि पानी में मेमेलियन के रूप में जानी जाती है, सबसे बड़ा जली स्तनी के रूप में इसको जाना जाता है। इसके अलावा कैटल फिश है, डेविड फिश, स्टार फिश, जेली फिश, क्रे फिश और सिल्वर फिश, इस तरीके की जो फिश के नाम से जो मछलियाँ होती हैं ये वास्तविक रूप में मछलियाँ नहीं है, इनको मछली के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। आपसे अगर ऑप्शन देकर के पूछा जाए कि स्टार फिश है या नहीं है तो आप बताएंगे स्टार फिश नहीं है। तो कैटल फिश, डेविड फिश, स्टार फिश, जेली फिश, क्रे फिश और सिल्वर फिश, ये और साथ ही साथ ये वेल, ये सब मछली के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, हवा के इकाई आयतन में यानी एक घन मीटर में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है। उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। ठीक है, पूंजी बाजार विनियामक होता है, पूंजी बाजार पर नियंत्रण रखने की जो एजेंसी है वो कौन है। पूंजी बाजार यानी कि शेयर मार्केट। ठीक है, शेयर मार्केट पर नियंत्रण रखने की जो संस्था है वो है सेबी। सेबी को SEBI के नाम से जाना जाता है, फुल फॉर्म है इसका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 में इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है सेबी एक्ट के द्वारा किया गया था। इसके अलावा NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, RBI तो आप जानते ही हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और IRDA जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। 1999 में इसके भी एस्टैब्लिशमेंट किया गया था।
तो ये तो हो गया चारों पांचों बातें इसकी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर ताप के साथ घट जाती है। तो प्रतिरोधक क्षमता ताप बढ़ाने के साथ बढ़ जाती है, तो जो अर्धचालक होते हैं सेमी कंडक्टर जो होते हैं सेमी कंडक्टर के साथ ऐसा गुण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा शुद्ध सिलिकॉन, ठीक है, प्योर सिलिकॉन के साथ ऐसा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कावेरी विवाद। कावेरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानी जाती है, दक्षिण की गंगा, पहली बात तो दक्षिण की गंगा। और इसका जो उद्गम है ये कर्नाटक के कुर्ग जिले से हुआ है। कौन से जिले से? कर्नाटक का कुर्ग जिले से। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, वहां से नीचे नदी गिरती है और कावेरी ताल से कावेरी नदी का उद्भव होता है। तो ये विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का, ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच डैम को लेकर के पानी को रोकने को लेकर के विवाद हुआ करता है सर, ठीक है। ये वहाँ की दक्षिण भारत की एकमात्र कह सकते हैं कि सदाबहानी नदी है, इस वजह से इस पर और बवाल होता रहता है, क्योंकि दक्षिण भारत में ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो सदाबहानी नहीं है, उसमें हमेशा पानी नहीं रहता है। निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के समानार्थी हैं, सिमिलर हैं? बिलियर्ड्स और कैरम बिल्कुल अलग अलग गेम है, तो ये नहीं हो सकता। गोल्फ और पोलो अलग अलग गेम है। फुटबॉल सॉकर बिल्कुल हाँ, फुटबॉल और सॉकर जो है फुटबॉल का पुराना नाम है, ये ध्यान रखना है, सॉकर फुटबॉल का पुराना नाम है, तो फुटबॉल और सॉकर एक ही है, तो यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा? फुटबॉल सॉकर, वॉलीबॉल स्टैश अलग अलग गेम। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम, देखिए कल भी इससे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था कि संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कुल मिलाकर के 15+5 सदस्य ऐसे करके रहते हैं, 20 सदस्य रहते हैं, जिसमें से 15 जो है वो अस्थायी है और 5 जो है वो स्थायी सदस्य हैं। माफ कीजिएगा, कल मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तो इसमें स्थायी सदस्यों की संख्या पता नहीं है, 10 है, सॉरी 15 टोटल है 15 ए ऐसे, ठीक। तो 5 जो स्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं, यूएसए यानी कि अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चाइना, ये 5 स्थायी सदस्य हैं, इनको वीटो देने का अधिकार है, ठीक है, वीटो पावर इनके पास होती है। इनको परमानेंट 5 के रूप में या बिग 5 के रूप में या इनको P5 के रूप में भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाए P5 सुरक्षा परिषद से संबंधित क्या है, सुरक्षा परिषद से संबंधित P5 जो है वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम है, और कौन कौन से हैं? अमेरिका, यूएसए जिसको बोलते हैं, रूस, यूके, फ्रांस और चाइना। और बाकी जो 10 सदस्य हैं इनमें से इनका कार्यकाल जो होता है, ये तो कार्यकाल फिक्स है इनका, इनका जो कार्यकाल है कह सकते हैं हर 5 साल में इनको जो है वो चुना जाता है, हर 1 साल में 5 सदस्यों को चुना जाता है। मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, 10 सदस्य हैं, 10 सदस्यों में से हर 5 सदस्य का हर साल, हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक व्यक्ति का कार्यकाल, एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया? 2 वर्ष का हो गया। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य जो हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और हर 1 साल में 5 लोग रिटायर हो जाते हैं और नए 5 लोगों का चुनाव कर लिया जाता है, इस तरीके से काम चलता है। उसके बाद आ गए हिमोड़। देखिए एक होता है जलोड़, एक होता है हिमोड़। जलोड़ जल से लुढ़का कर लाई गई मिट्टी को बोलते हैं, एलिवल सॉइल होता है। हिमोड़ जो है वो हिम से लुढ़का करके लाई जाएगी। हिम कहाँ मिलेंगे? पर्वतों पर मिलेंगे, पहाड़ों पर मिलेंगे, और पहाड़ों से अगर नदी बह रही है तो क्या लेकर के आएगी? बर्फ लेकर के आएगी, तो बर्फ तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या लेकर के आएगी? पहाड़ों का कटान, चट्टाने जो होती हैं यहाँ की, कंकड़ पत्थर, ये सब लेकर के आएगी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है हिमोड़ कहाँ पर निर्मित होते हैं, तो हिमोड़ निर्मित होंगे ग्लेशियर वाले क्षेत्र में, ठीक है। हिमोड़ कहाँ निश्चित कहाँ इकट्ठित होंगे? ग्लेशियर वाले क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन क्या होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन ऊर्जा की मौलिक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए कहता है, क्वेश्चन नंबर ए कहता है कि न्यूरॉन जो है वो ऊर्जा की मौलिक इकाई है। दूसरा कह रहा है रेडियोधर्मी पदार्थों से निकलने वाले पदार्थ हैं। तीसरा कह रहा है न्यूट्रॉन्स के प्रतिद्रव्य हैं। और चौथा कह रहा है तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई है, यानी कि बेसिक यूनिट है, ये एक तरीके से फंडामेंटल यूनिट है हमारी जो तंत्रिका तंत्र है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, जो हमने उन्हें प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट में लगाया था, ठीक। इसमें जो है पहला ऑप्शन दिया हुआ वीनस विलियम्स, स्टेफी ग्रैफ, मार्गरेट फोर्ड और सेरेना विलियम्स। करेक्ट आंसर है मार्गरेट फोर्ड ने अब तक 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, और सेकंड नंबर पर सेरेना विलियम्स है, और सेरेना विलियम्स ने अब तक
23 पावर प्लांट हम जीते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 37, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन कौन कौन से हैं? तो उपयोग किया जाता है क्लोरीन, बिल्कुल किया जाता है। ओजोन यूज किया जाता है क्या? बिल्कुल ओजोन यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों ओजोन और क्लोरीन दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बीबी का मकबरा को लेकर के, बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, और इसमें ये जो बीबी का मकबरा है ये किसके लिए बनवाया गया था? ये बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी के लिए बनाया है। तो औरंगजेब की जो पत्नी है दिलराज बानो बेगम, क्या नाम है इनका? दिलराज बानो। तो दिलराज बानो का मकबरा है ये, और दिलराज बानो के इस मकबरे को हम लोग क्या कहते हैं, दिलराज बानो के इस मकबरे को हम लोग काला ताजमहल के नाम से भी जानते हैं भैया, काला ताजमहल कौन सा है? बीबी का मकबरा है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप यहाँ पे इसको ताजमहल ऑफ साउथ इंडिया का ताजमहल भी कहा जाता है, दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है, इसको सेकंड ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक प्रांत है, ठीक, चीज ध्यान रखिए। बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में पांच खिलाड़ी होते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, पांच खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया है? यहाँ पे डेमोक्रेसी वर्ड्स के लिए पूछा गया है, ये अंतिम क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया है? तो डेमोक्रेसी जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, डेमोक्रेसी जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है लोगों का शासन, यानी कि पीपल्स जो होते हैं, जो कंट्री के जो लोग होते हैं उनके द्वारा किया गया शासन को डेमोक्रेसी बोला जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 40 क्वेश्चनों का सेट हमने यहाँ पर अभी एक लगाया है, ये क्वेश्चन नंबर, ये प्रैक्टिस सेट हमारा 2 था, सेट नंबर 2 था, ठीक है, हम लोगों ने इसकी भी तैयारी करी। दोस्तों आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे उसका जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें लगातार। देखिए दोस्तों, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ होंगे तो थोड़ा मोटिवेशन तो हमें मिलता ही है। अभी हमारा कह सकते हैं कि यही प्रयास है कि आप 45 जो सेट हम आपको लेकर के चल रहे हैं कि 45 सेट हमें कराने हैं, 45 सेट हमें कंप्लीट कराने हैं। तो जितने भी बच्चे जुड़ेंगे, जो भी बच्चे जुड़ेंगे, उनको हम 45 सेट ज़रूर कवर अप कराएंगे, और उनमें से जितने लोगों का सिलेक्शन होगा उनके लिए मुझे काफ़ी खुशी रहेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस मेहनत के साथ जुड़ने में अच्छा लग रहा होगा, आप भी मेहनत कर रहे होंगे, ईश्वर करे कि आपका सिलेक्शन हो।